अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल और आप लोग देख रहे हैं अब्दुल्ला स्पोर्ट अपडेट। तो आज मेरे पास आप लोगों के लिए क्रिकेट के हवाले से कुछ अपडेट है, मगर शुरू करने से पहले मैं आप लोग से दरख्वास्त करना चाह रहा हूं कि अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें अब्दुल्ला स्पोर्ट अपडेट को और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी बजाएं ताकि आप लोगों को मजीद लेटेस्ट क्रिकेट एंड रेसिंग अपडेट मिलती रहे। शुक्रिया। भारत में जारी आईसीसी इजलास के दौरान इंग्लैंड में मुनक्कद वर्ल्ड कप 2019 के मुकम्मल शेड्यूल को हतमी मंजूरी दे दी गई है, जिसके मुताबिक यूनिट में शरीक तमाम 10 टीमों राइवन रोबन मरहले में एक दूसरे के खिलाफ एक एक मैच खेलेगी। प्रोग्राम के मुताबिक पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप 2019 में अपना पहला मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलेगी, जो 31 मई को नॉटिंघम में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप 2019 में पाकिस्तान की मैचेस को शेड्यूल, पाकिस्तान अपना पहला मैच 31 मई को वेस्ट इंडीज के खिलाफ नॉटिंघम में खेलेगा, जबकि पाकिस्तान का दूसरा मैच 3 जून को इंग्लैंड के खिलाफ नॉटिंघम में होगा। तीसरा मैच पाकिस्तान का 7 जून को होगा, उसका मुकाबला श्रीलंका से ब्रिस्टोल के मैदान में होगा। चौथा मैच 12 जून को पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा माउंटन के मकाम पर। पाकिस्तान का पांचवा मैच 16 जून को भारत के खिलाफ मैनचेस्टर में खेला जाएगा। पाकिस्तान का छठा मैच 23 जून को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान में खेला जाएगा। पाकिस्तान का सातवां मैच 26 जून को न्यूजीलैंड के खिलाफ बर्मिंघम में खेला जाएगा। पाकिस्तान अपना आठवां मैच 29 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान में खेला जाएगा। पाकिस्तान अपना आठवां मैच 29 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान में खेलेगा। पाकिस्तान अपना नवां मैच बांग्लादेश के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान में खेलेगा। वर्ल्ड कप 2019 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान हाई वोल्टेज मैच की मेजबानी मैनचेस्टर को दी गई है, जहां पाकिस्तान और भारत के शेरी बड़ी तादाद में मुकीम है। वर्ल्ड कप 1992 के राउंड रोबन लीग फॉर्मेट का तजुर्बा 2019 के मेगा यूनिट में भी दोहराया जाएगा। वर्ल्ड कप 2019 में हर टीम दीगर 9 के साथ एक एक मैच खेलेगी, तब 4 सेमीफाइनल में मध्य मुकाबिल होगी। वादा रहे कि वर्ल्ड कप 1992 में भी इसी फॉर्मेट के तहत मैचेस खेले गए थे। तो दोस्तों, ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि 1992 का टाइटल पाकिस्तान ने जीता था, और क्या 1992 के वर्ल्ड कप की तरह 2019 में भी पाकिस्तान तारीख दोहरा पाएगी या नहीं, इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों, ये थी क्रिकेट से जुड़ी कुछ खबरें, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अब्दुल्ला स्पोर्ट अपडेट को और साथ वाली बेल आइकन की अलामत पर क्लिक करें ताकि आप लोगों को मजीद स्पोर्ट अपडेट मिलती रहे। शुक्रिया। इन अल्लाह हाफिज़।